For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. My name is Dr. Amber, or I'm a gynecologist and obstetrician and infertility specialist, and I'm currently practicing on Walton Road, Defence Moor, in the clinic with the name of Amber Medical Centre, and I am also sitting in a hospital with the name of Geo Hospital at Bedia Road, Lahore. And I have done my MPBS from Fatima Jinnah Medical University in 2001, and then I did my post graduation from Gangaram Hospital and College of Physicians and Surgeons. My specific area of interest are high-risk pregnancy. High-risk pregnancy ek aisi pregnancy hai jisme ke complications hain, risk factors hain, jaise ki high blood pressure, pregnancy mein blood sugar ka badh jana, khoon ki shadeed kami ka hona, ya iske ilawa hamal ke dauran koi dusri pechidgiyan jaise awal ke masail ya dusri is tarah ke masail hain. I'm also working in the area of infertility, and I'm doing the IUI and ICSI. I'm also working as infertility consultant and doing different type of artificial reproductive techniques. And I'm also doing the treatment of PCOS, endometriosis, ovarian cysts, and many other gynecological problems also. पर्सनल हाइजीन के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझूंगी, ख़ास तौर पे यंग लड़कियां जो हैं, जिनको जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं और उनको ये बातें जो हैं वो मदर इन्फॉर्म करती हैं. पीरियड्स के बारे में मोमन बात करना अच्छा नहीं समझा जाता हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये कि बच्चियाँ जो अभी जवानी की तरफ जा रही हैं और उनको ये पीरियड स्टार्ट हुए, उनको स्पेशली बताने की बहुत ज़रूरत होती है कि वो अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. मतलब अब साफ़ सुथरे पैड्स इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि गंदे कपड़े इस्तेमाल ना करें, उसके लिए रेगुलरली पैड्स को जो है वो चेंज करें, पहले वाले को डिस्कार्ड करें, और अपनी जो है वो जो भी आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनकी क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, उनकी हेयर क्लीनिंग का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए उनकी, क्योंकि ये अगर आप पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शंस हो जाती हैं. ख़ासतौर पे फीमेल्स में इन्फेक्शन रेट इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि फ़ीमेल के जो ऑर्गन्स होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं मेल से, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इसलिए आपको अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. कोशिश करें कि वॉशरूम्स वगैरह जो है वो क्लीन वॉशरूम्स यूज़ करें, और पब्लिक वॉशरूम्स को कोशिश करें कि अवॉइड करें. और कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी है क्या. इनफर्टिलिटी या पांचपन ये है कि अगर एक साल तक जो है वो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहें और अपना ताल्लुक भी कायम रखें और इसके बावजूद भी अगर हमल ना ठहरे तो इसको हम बांझपन कहते हैं. अब बांझपन की मल्टीपल रीजंस हैं, जो सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में जो कि ख्याल किया जाता है कि जी ख़ातून ही इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, वो ऐसा नहीं है. जो है वो बहुत ज़्यादा जो है 35% तक जो है वो मेल फैक्टर होता है इसमें, जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है कि मर्द को भी अपने टेस्ट वगैरह करवाने चाहिए. मर्द के जरासीमों में या स्पर्म्स में कोई ना कोई कमी हो सकती है, उनके स्पर्म्स बीमार हो सकते हैं, सिक हो सकते हैं, उनकी मूवमेंट्स ठीक नहीं हो सकती. सो मेल को अपने टेस्ट करवाने में कोई हिचकिचाहट फील नहीं करनी चाहिए, और ना ही ऐसा फील करना चाहिए कि अगर हम मेल अपना टेस्ट करवा लेगा तो वो खुदा ना खास्ता कोई नामर्द हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती. सब कुछ ठीक होता है मेल में, और कुछ थोड़ी बहुत मेडिकेशंस और थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के ज़रिए वो उसके स्पर्म्स नॉर्मल हो सकते हैं. इसके अलावा फीमेल्स में जो कॉजेज़ होती हैं इनफर्टिलिटी की, वो एक तो ये कि एग का ना बनना, प्रॉपर एग का ना बनना. उसमें ख़वातीन को डिफरेंट हार्मोनल मसाइल होते हैं, जैसे कि PCOS हो सकता है, और इसके अलावा भी कुछ उसको एग्स के मसाइल हो सकते हैं वो जिसमें प्रॉपरली एग नहीं बनता. और इसके अलावा उसका ट्यूबल फैक्टर होता है कि ट्यूब्स उसकी बंद होती हैं, क्योंकि वो रास्ता जहाँ से स्पर्म्स ने जाना है वो ट्यूब्स हैं एग्स तक, तो वो ट्यूब्स अगर कहीं से ब्लॉक होंगी या कहीं से डिजीज्ड होंगी तो वहाँ से प्रॉपरली स्पर्म नहीं पास कर सकेगा, और नतीजतन जो है वो बांझपन हो जाता है.
और इसके अलावा जो है वो एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें जिस्म के अंदर जो है वो पीरियड्स का खून चला जाना जाना शुरू कर देता है जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ, तो इसमें भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें हर चीज़ टेस्ट करवाने के बावजूद भी नॉर्मल आ जाती है, तो इसके बावजूद क्योंकि ज़्यादातर कपल्स हमारे पास आते हैं कि सारे टेस्ट करवाए हैं हर चीज़ नॉर्मल है, तो उसमें उसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब एक ऐसी इनफर्टिलिटी जिसकी वजह अभी तक नहीं दरियाफ्त हो सकी, इसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी एक बहुत ही वसी फील्ड है, बहुत ही वास्ट फील्ड है ये, इसमें हमें बेसिकली जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि वजह क्या है इनफर्टिलिटी की। जब आपके पास एक कपल आ जाता है और स्पेशली आप अगर किसी अमूमन क्वैक्स और दाइयाँ वगैरह जो हैं वो बिला सोचे समझे मियाँ को और बीवी को दोनों को दवाइयाँ दिए जा रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता नामों का, तो मेरा मशवरा ये है ख़वातीन से कपल से कि प्लीज़ ऐसे लोगों के पास जाने से बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये आपकी जान के साथ खेल रहे हैं। वो अभी जो आपको हमल के लिए दवाइयाँ दे रहे हैं वो बाद में वही आपको एक परमानेंट इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती हैं मेडिसिंस। तो आप किसी भी ऐसे बंदे के पास जाके अपनी सेहत का, वो आपने सुना होगा नीम हकीम खतरा जान, तो आप किसी भी ऐसे लोगों के पास मत जाइए, हमेशा मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं जिसका आपको पता हो कि वो इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर सकता है, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली स्टार्ट ही नहीं सही लेंगे तो एंड पे मसला आपका ख़राब हो जाएगा। अब इसलिए इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हमें कॉज का पता होना ज़रूरी है कि वजह क्या बनी है। अगर तो मेल फैक्टर है यानी हस्बैंड का कोई इशू है तो फिर मियाँ की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उनके लिए मेडिकेशंस भी हैं, उनके लिए और भी चीज़ें हैं। स्पर्म्स अगर नहीं बन रहे तो फिर हमें चेक करना, स्पर्म्स जैसे अगर नहीं आ रहे सीमन एनालिसिस में तो हमें फिर उसको टेस्ट करना पड़ता है कि स्पर्म्स क्या बन भी रहे हैं अंदर या नहीं बन रहे, उसके लिए भी मुख्तलिफ टेस्ट अवेलेबल हैं। और अगर तो अवेलेबल हैं तो उसके अलावा जो है वो मैं उसकी तरफ बाद में आती हूँ। इसके अलावा ख़वातीन में एग्ज़ अगर नहीं बन रहे तो एग्ज़ क्यों नहीं बन रहे उसकी रीज़न की तरफ जाना चाहिए। ट्यूबल स्टेटस यानी ट्यूबों को चेक करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं। एक तो हम एक्सरे करवाते हैं, स्टेरोसेल पिंजोग्राफी उसको कहते हैं, जिसमें हम एक रंगीन डाई जो है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं नीचे से, और साथ ही हम एक्सरे उतार लेते हैं खातून के। जब वो एक्सरे में आ जाता है वो डाई जहाँ जहाँ से पास होती है, अगर डाई कहीं पे रुक गई है तो समझे वहाँ से ट्यूब बंद है। उस तरह हमें पता चल जाता है कि खातून की जो ट्यूब है वो बंद है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी हम कर सकते हैं ट्यूब को जानने के लिए, जिसमें हम पेट के अंदर एक 1 सेंटीमीटर का कट लगाते हैं और पेट के अंदर कैमरा इंसर्ट करते हैं और वहाँ से खातून के अंदर के सारे जो माहौल है उसको हम देखते हैं कि ट्यूबें बंद तो नहीं है। और इसके अलावा जो है वो एंडोमेट्रियोसिस है, वो भी हमें लेप्रोस्कोपी पे पता चल जाता है। और अगर ये सब कुछ नहीं, सब कुछ क्लियर है जिसके, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, फिर आप हम ऐसी कुछ मेडिकेशंस देते हैं जिससे स्पर्म्स की और एग्स की एक्टिविटी जो है वो अच्छी हो जाती है। एग्स की एक्टिविटी अच्छी करने के लिए हम जो मेडिसिन देते हैं उसको ओवुलेशन इंडक्शन कहते हैं, और उनके ज़रिए हम ट्राई करते हैं कि जी खातून खुद ही से कंसीव कर ले। ज़्यादातर कपल्स जो हैं वो जो है 80-90% जो है वो विद इन 3 ईयर्स कंसीव कर लेते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वो भी ओवुलेशन इंडक्शन और ऐसी मेडिकेशन से भी फ़ायदा नहीं हो रहा तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़ुबान से जानते हैं, लेकिन इसकी भी मुख्तलिफ किस्में हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है IUI। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर हम जो खावंद के स्पर्म्स या जरासीम लेकर उनको वॉश करते हैं स्पेशल इन्वायरमेंट में, और फिर जब खातून के अंदर मुकम्मल अच्छे अंडे बन जाते हैं, एनवायरनमेंट अच्छी हो जाती है, तो उसके बाद हम मर्द के जरासीमों को एक इंजेक्शन के ज़रिए अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें 3 साइकल्स IUI करने के बाद भी खातून ने नहीं कंसीव किया तो फिर हम उसे नेक्स्ट स्टेप का मशवरा देते हैं जिसको हम ICSI कहते हैं या IVF कहते हैं। IVF में हम लैब के अंदर जो है वो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, यानी कि मर्द का स्पर्म लेके और खातून का अंडा लेके उसको लैब में उसको मिलाते हैं। ICSI या IVF जिसमें हम
जो नेक्स्ट स्टेप है टेस्ट ट्यूब बेबी का, उसमें हम जो मर्द के स्पर्म्स या जरासीम लेके लैब में और खातून के जो एग्स हैं अंडे उनको खातून के जिस्म से हम निकाल कर लैब में उसकी मैचिंग करवाते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन या जो बेबी है वो लैब में बन जाता है, उसका हमल का जो इनिशियल या आगाजी मरहला है वो लैब में हो जाता है, उसके बाद जो वो एम्ब्रियो बन जाता है उन दोनों के मिलाप से, तो उसको हम स्पेशल जो है कैथेटर्स होते हैं, नालियाँ होती हैं, उनके ज़रिए हम बच्चेदानी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं और साथ खातून को ऐसी इंजेक्शंस और मेडिकेशंस दे देते हैं जिसके ज़रिए कि हमल जो है वो अंदर ही बढ़ना शुरू हो जाता है। इस जो तरीका इलाज है इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, गलत फहमियाँ आप कह सकते हैं लोगों को हैं कि सबसे पहले तो एक ये कि ये गुनाह है शायद, और दूसरी बात जो ये समझी जाती है कि शायद जो है वो जो जरासीम या स्पर्म्स लिए जाते हैं वो आपके हस्बैंड के नहीं होते। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान जैसे हमारा इस्लामिक मुल्क है और हमारे कंट्री में तो वैसे भी जो है वो डोनर स्पर्म्स अलाउ नहीं है, यानी कि किसी गैर मर्द के स्पर्म्स नहीं अंदर इंजेक्ट किए जा सकते। लेकिन अगर पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में भी कतन भी कोई भी आपके नॉलेज में लाए बगैर कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि जो है ये अनएथिकल है कि आप स्पर्म्स जो हैं वो आपको नॉलेज में लाए बगैर इंजेक्ट कर दिए जाएं कि ये किसके हैं। तो पाकिस्तान में तो स्पेशली हम लोग नहीं इंजेक्ट करते, सिर्फ मियाँ का ही मियाँ के ही जरासीम में जो लिए जाते हैं जो कि इन प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। उसके अलावा हम अब बहुत ज़्यादा टेक्निक्स आ गई हैं, लाइक फ्रोज़न एम्ब्रियोज हम कर लेते हैं, फ्रोज़न सीमन रख लेते हैं, जिसके मतलब अगर हमने एक दफ़ा प्रोसीजर नहीं करना, हम कुछ अरसे बाद उसको कर लें और वो जो मटेरियल हमने लिया है औरत से या मर्द से उसको हम संभाल के स्पेशल में फ्रीज़ कर लें, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। और इनके डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेडिसिन के, कुछ थोड़े बहुत हो जाते हैं, समटाइम एग्स बहुत ज़्यादा मिकदार में बन जाते हैं जिसको हम ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन कहते हैं, उसकी वजह से भी हमें साइकिल कैंसिल करना पड़ जाता है, समटाइम एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी हो जाती है, ट्विन्स हो जाते हैं, ट्रिपलेट्स हो जाते हैं। बहरहाल हर ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता है, लेकिन बहरहाल ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है और एक उम्मीद की किरण है उन बांझ जोड़ों के लिए जो कि जगह जगह धक्के खा चुके हैं और उनको पता है कि अब कुछ नहीं करना, तो फिर उनके लिए ये उम्मीद की किरण है कि ये तरीका इलाज अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, और ये जन्नत ऐसे नहीं आ गई, ठीक है, जारी बात है माँ और बाप दोनों मिलके एक बच्चे को पैदा करते हैं, लेकिन जन्नत सिर्फ माँ के कदमों के नीचे आ गई है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी सबसे पहली वजूहात तो ये कि औरत अपने जिस्म के अंदर एक बच्चे को लेकर नौ माह उसको परवान चढ़ाती है, अपना खून उसको देती है। इसके अलावा सिर्फ खून देना और उसको परवान चढ़ाना ही नहीं होता, उसके दौरान वो जिन जिन तकालीफ से गुज़रती है, उसको उल्टियाँ भी आ रही हैं, उसको दर्द भी हो रही है, उससे चला भी नहीं जा रहा, उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ये सारी तकालीफ उसके साथ साथ चलती हैं। लेकिन एट द एंड जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे मरहला होता है वो उस बच्चे को जन्म देने का होता है, कि जब वो पैदाइश की जचकी की दर्दें ले रही होती है तो वो बहुत ही तकलीफ़ दे अमल है, बल्कि शायद इस बारे में कहा जाता है कि मौत की तकलीफ़ के बाद दूसरी बड़ी तकलीफ़ शायद हार्ट अटैक की है और तीसरी बड़ी तकलीफ़ जचकी की है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हार्ट अटैक में तो बंदा नहीं बचता, तो ये औरत जो ही है जो वो तकलीफ़ लेती है और बच्चे को पैदा करती है। लेकिन अब चूंकि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई हैं और इतनी ज़्यादा नई मेडिकेशंस और इतना कुछ इल्म अल्लाह ताला ने इंसान को दे दिया है कि अब ऐसी तरीके आ गए हैं कि औरत अपनी उस तकलीफ़ को कम कर सकती है, ठीक है। अब इसमें ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें भी मिथ्स बने हुए हैं, गलत फहमियाँ जन्म ली हुई हैं कि पता नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको उल्टी आ रही है आप उल्टी की दवाई ले सकते हैं, तो अगर दर्द रोकने की एक दवाई मौजूद है तो आप क्यों ना लें, ठीक है। तो उसमें दर्द के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। एपिड्यूरल स्पेस होती है खातून की रीढ़ की हड्डी के दरमियान में एक जगह, वहाँ एक छोटी सी नाली डाल देते हैं, हमारे बेहोशी के डॉक्टर होते हैं जो ये इसको करते हैं, और वो उसमें एक नाली पास करते हैं और उस नाली के अंदर हम इंजेक्शन के ज़रिए एक मेडिसिन दे देते हैं जिससे जिस्म का निचला हिस्सा
कुछ घंटों के लिए सुन हो जाता है, वो इस तरह से सुन हो जाता है कि दर्दें महसूस नहीं होती, मतलब दर्दें आ रही होती हैं, जचकी का सारा अमल चल रहा होता है, बच्चा नीचे आ रहा होता है, रहम का मुंह खुल रहा होता है, लेकिन औरत की दर्द की शिद्दत उतनी नहीं रहती और वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं बर्दाश्त कर सकती है और सारा कुछ कर लेती है। तो उसमें ये होता है कि पेन आपके मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, खातून ख़ुद भी रिलैक्स हो जाती है और डिलीवरी का प्रोसेस हो जाता है। सो ये एक अच्छा तरीका इलाज है और अगर आपको इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको ज़रूर अवेल करनी चाहिए जी। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप प्लीज़ मरहम के प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेक्ट करें, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।